A very, very warm welcome to everybody. Welcome to UGCNET ARA 24 7. I'm Professor Ashwarya Puri. और आज से मैं आपको बता दूं आने वाले दो हफ्ते के लिए मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज जो है मैंने आपके लिए शुरू की है जिसके अंदर हम हमारी लिटरेरी एजेस को वन बाय वन इन ऑर्डर इन सीक्वेंस कवर करेंगे तो एक दिन भी की क्लास मिस करना भी आपके ऑर्डर को ब्रेक करेगा सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन वन क्लास राइट नाउ ठीक है तो ये पूरा ऑर्डर में सो है मैंने सीक्वेंस एक शुरू किया है मैं आपको बता दूँ फॉर एवरी एनी बडी एन एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग माई क्लासेज फॉर द फर्स्ट टाइम

जो नॉट हैंग ऑन बाईट डो नॉट हैंग बाई दैट थ्रेड मूव फॉरवर्ड तो आप लोगों के लिए मैं ये नई एक सीरीज़ लेकर आई हूँ बेसिकली ठीक है ना इस सीरीज़ में जो है आपका क्या रहेगा आप कि वन बाई वन एज बाई एज स्टार्टिंग फ्रॉम द एगलो सैक्सन एज टू द ट्वेंटी एथ सेंचुरी हम इंग्लिश लिटरेचर को जो है व्यू करेंगे वंस वी आर डन विद द सीरीज देन वी विल कवर अदर यूनिट आर इंपॉर्टेंट फॉर आर नेट एग्जाम ठीक है मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज बहुत लोग मुझे कब से पूछ रहे थे कि मैम कब हम नेट का नया सीरीज कब शुरू करेंगे नया साइकिल कब शुरू करेंगे सो so, मंडे है आज बढ़िया ठीक है भोलेनाथ का दिन है बढ़िया सी एक, एक अच्छी ऑस्पिशस जो है हम इसके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं ठीक है जी और ओके सो okay, so, हाँ झारखंड uh, का मेरा बैच आज शाम से शुरू हो रहा है आज शाम छः बजे से झारखंड का बैच शुरू हो रहा है तो जितने भी लोग जे एस ए इंग्लिश के लिए टारगेट कर रहे थे वो लोग जो है मेरी सिक्स ओ क्लॉक सिक्स पी वाली क्लास में आ सकते हैं ठीक है सो so, ये आपके पास जो है उसमें रहेगा एंड चलिए अब हम जो है अपनी आज की क्लास को करते हैं शुरू नया बैच नए बैच का मैं आपको बता दूं क्लास के एंड में बताती हूं अभी पढ़ लो एक बार बैच बैच का मत सोचो अभी एक बार जो मैं पढ़ा रही हूँ एक बार जो फ्री में मिल रहा है जो नॉलेज फ्री में मिल रहा है एक बार उसको फ्री में गेन करो फिर पैसे वाली भी बता दूँगी डोंट डोंट वरी ठीक है हाँ जी चलिए आप में से जितने भी अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया पेज को सब्सक्राइब नहीं किया भाई फटाफट कर दो बिकॉज कैसे फर्स्ट अटैम्प में नेट कैसे क्वालिफाई करना है वो मैं यहीं बताने वाली हूँ कोई भी कोई फर्दर इफॉमेशन है कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी है वो सारी इसी पेज के थ्रू होगी हम लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यूज भी ले रहे हैं हम लोग आपको नोटिफिकेशन का भी बताते रहते हैं हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ इसी पेज पर होगा तो ये पेज आपके लिए ना अगले अपने 2023 के नेट के अटेम्प्ट के लिए ना वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका ये तो इसको जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें और आज का जो हमारा टॉपिक लाइक आई सेट है स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंग्लो सैक्सन एज तो चलिए अब मजे से मजे मजे में जो है ये टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं क्या है एंग्लो सैक्सन एज एंग्लो सैक्सन एज का सबसे पहले तो याद रखना है ईयर याद रखना है हमें वॉट इज द रेंज ऑफ द ईयर जो एंग्लो सैक्सन एज में हमें देखने को मिलती है दैट इज फ्रॉम फोर फिफ्टी ए डी टू वन जीरो सिक्स सिक्स ए डी अब कई जगह ये फोर फिफ्टी ए डी को कई लोगों ने फोर टेन ए डी भी लिखा है बट एक जनरल कंसेंसस अगर हम लेके चले तो ये फोर फिफ्टी ए डी ही होगा हमारा ठीक है नंबर वन नंबर टू अच्छा आप लोगों ने वो वाली प्रैक्टिस अपनी ज़रा फिर से मेरे साथ शुरू करनी है फ़ॉर ऑल द पीपल हु आर विजिटिंग माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव दिस प्रैक्टिस वेर आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन माई क्लास सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि जो जो मैं कोई इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट या की वर्ड्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी बिल्कुल जैसे सना ने यहाँ पे जो है कॉमेंट में डाल दिया है आपने भी वैसे डालना है ठीक है एंड सर दैट इज़ नॉट फोर्टीन फिफ्टी इट इज़ फोर फिफ्टी नॉट फोर्टीन फिफ्टी फोर फिफ्टी एडी टू वन जीरो सिक्स एडी ठीक है तो जो जो ऐसे की वर्ड्स नेम्स हाईलाइटेड पॉइंट्स में बताती रहूंगी आप लोगों ने जो है उनको मैंशन करते रहना है अपना कॉमेंट सेक्शन में हाई वंदना वेलकम अच्छा इससे क्या होता है इससे आप एक्टिव लर्नर्स बनते हो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे बिस्तर पे पड़े हुए लेथार्जिक माहौल में मेरी वीडियो देख रहे हो कान में ईयरफोन लगा के ऐसा नहीं करना मैं चाहती हूँ मेरी क्लास से कोई एक दो तीन बातें आप लर्न ही करके जाएं तो उसका सिस्टम यही रहेगा हमारा कि आपने एक्टिव लर्निंग करनी है मेरे साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ आपने लिखते भी रहना है ठीक है और हम होमवर्क्स भी आज से शुरू कर देंगे ठीक है जी कुसुम पक्का से चलो स्टार्ट करते हैं हाँ एंग्लो सैक्सन एज हमने स्टार्ट की है एंग्लो सैक्सन मैं भी एक्सप्लेन करूंगी कौन थे सो so, देखो 450 फिफ्टी से जो है 1066 ज़ीरो का जो पीरियड है इसको हम एंग्लो सैक्सन एज अपना मानते हैं तो 450 फिफ्टी एडी से पहले का जो पीरियड है यहाँ पे बेसिकली जो जो सेल्ट्स हैं के ओरिजिनल सेल्टिक लोग हैं वो यहाँ पे इनहेबिटेंट्स थे उसके अलावा इंग्लैंड एज अ कंट्री को अगर हम देखें तो उस टाइम पे इसको इंग्लैंड नहीं बोलते थे उस टाइम पे इसको बोलते थे ब्रिटानिया ठीक है उस टाइम पे इसको इंग्लैंड नहीं बोलते थे बैक इन द डेव यूज टू कॉल इट ब्रिटानिया सो so, ब्रिटानिया का वो जो सारा रीजन है वहाँ पे काफ़ी जो है फॉरेन इन्वेजन अटैक्स होते रहते थे ग्रीक्स का अटैक आया रोमन्स का अटैक आया ठीक है जूलियसर सीजर हिमसेल्फ लेडन अटैक ऑन यू नो द ब्रिटानिया ऑफ दैट रीजन तो ये अटैक्स जो है वहाँ पे जो है चलते रहते थे अब क्या है uh, एक पॉइंट पे तकरीबन डेढ़ सौ साल के पीरियड के लिए रोमन्स का जो है काफ़ी बड़ा एम्पायर वहाँ पे क्रिएटेड रहता है तो रोमन्स के वहाँ पे अटैक से क्या हो जाता है कि रोमन आर्मी खुद अपने आप को जो है मेंटेन रख रही थी रोमन आर्मीज जो है खुद अपनी सुरक्षा कर रही थी तो यहाँ के जो सेल्स थे बेसिकली या यहाँ के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे उनको लड़ाई के लिए आदत खत्म हो गई क्योंकि अब उनके ऊपर एक फॉरेन एक पावर जोन को रूल कर रही थी आर्मी उनकी थी सोल्जर्स उनके थे तो जो यहाँ के ओरिजिनल इन्ेबिटेंट्स थे उनको लड़ाई झगड़े की आदत ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है रोमन्स के ऊपर जो है जर्मेनिक अटैक्स होते हैं रोमन्स के ऊपर जो खुद जो है नॉर्थ जर्मनी की ट्राइब्स अटैक शुरू कर देती हैं तो जो जो सोल्जर्स ब्रिटानिया uh, में डिप्लॉयड थे तो रोमन एम्पर उनको वापस बुला लेते हैं अपने होम लैंड को सिक्योर करने के लिए कि अपने होम टाउन अपने होमलैंड को सिक्योर किया जाए एक बार ब्रिटानिया को हम खाली छोड़ देते हैं ठीक है तो उन्होंने क्या है वापस अपनी जो है सारी फोर्सेस मंगवा ली और उनका जो ध्यान है अपने रोमन एम्पायर पे पहुंच गया ब्रिटानिया फिर से डिफेंसलेस छूट गया ठीक है तो ब्रिटानिया जो है वो फिर से जो है अब यहाँ पे डिफेंसलेस छूट जाता है डिफेंसलेस छूट गया डेढ़ सौ दो सौ सालों से लड़ाई झगड़े की आदत ख़त्म हो गई थी वॉरियरशिप का स्पिरिट ख़त्म हो गया था फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो गई थी जो स्किल्स चाहिए होते थे एक वॉर को लड़ने के लिए अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने के लिए वो इनके पास ख़त्म हो गए थे तब यहाँ पे जो है ये जर्मन जर्मेनिक स्पीकिंग ट्राइब्स हैं उनका अटैक शुरू होता है जिनको कि हम जर्मैनिक ट्राइब्स कह रहे हैं ठीक है ये ओल्ड एंशियंट नॉर्थ जर्मनी की डायलेक्ट जो है जर्मैनिक उसको बोलते थे वहां से कुछ ट्राइब्स का जो अटैक्स होता है अब ये ट्राइब्स कौन कौन सी थी एंगल सैक्सन्स जूट्स फ्रीजियंस ठीक है ये ये वाली जो ट्राइब्स हैं इनका अटैक जो है बेसिकली एकदम से इंग्लैंड पे होता है अब जैसे जैसे ये आते हैं ये छोटे छोटे रीजन्स पे जो है अपना रूल जमाना शुरू कर देंगे और इनके ऊपर अपनी अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश कर देंगे ठीक है अब इनका नंबर जो है यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा बिकॉज जैसे जैसे ये ट्राइब्स बढ़ती गई वापस जर्मेनिया में मैसेज पहुँचता गया कि ये एक लैंड है जो कि डिफेंसलेस है यहाँ पे किसी का रूल नहीं है यहाँ के लोगों को लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना आता बड़े आसानी से इनको जो है अपने नीचे दबा लेंगे तो जर्मेनिया से और ज्यादा जो है लोग यहां पे आने लगे लगे और बसने सो ठीक है अब ये आप सबको पता है हमने क्योंकि ऑलरेडी पिछले में भी हम लोगों ने जो हमारा पिछला साइकिल चला है उसमें भी हमने ये को कवर किया है उसके अलावा मेरे पेड बैच में भी हमने जो है इन कवर किया है माव्या uh, वो जो द थिंग इज़ कि नॉर्मली हम तीन ट्राइब्स ही ले रहे हैं जो अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे मैंने इस हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कवर किया है फ्रीजियंस बाद में ऐसा सच एग्जिस्ट नहीं करेंगे सो लेट मी फिनिश लेट मी फिनिश आई टेल यू अकॉर्डिंगली सो देखिए जो आर्थर जो किंग है आप सबको पता है ही इज़ अ लेजेंडरी कैरेक्टर ठीक है ही इज़ अ लेजेंडरी कैरेक्टर ही इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम द इंग्लिश माइथोलॉजी माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है जो हाफ फिक्शन हाफ रियालिटी है सो हाफ फिक्शनल हाफ नॉन फिक्शनल सो वी एग्जैक्टली डो नॉट नो इफ अ रियल किंग आर्थर एग्जिस्टेड और नॉट बट वी नो कि जब ये जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक हुआ है इंग्लैंड पे ब्रिटानिया पे, तो जो uh, कुछ सालों तक तो उनको कोई रोम की तरफ से रोमन एम्पायर की तरफ से कोई जो है सपोर्ट नहीं मिला लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली अराउंड 500 एडी ठीक है रोमन ट्राइब्स रोमन जो सोल्जर्स हैं वो वापस आते हैं अपने ब्रिटानिया कंट्री पे वापस यहाँ का होल्ड जो है अज्यूम करने और उनके साथ जो है ये ब्रिटिश लोग जो है ब्रिटानिया के लोग हैं ये मिल जाएंगे ठीक है ताकि ये लोग जो है इन जर्मेनिक ट्राइब्स को हरा सकें ठीक है एंड uh, कहा जाता है कि उसके जो लीडर थे वो थे किंग आर्थर ठीक है किंग आर्थर जो थे इनका ब्लड लाइन क्या है ये लोग सेल्टिक्स थे सेल्ट्स थे माइंड मी अभी तक जो है एंग्लो सैक्सन ब्लड इनमें मिला नहीं है ठीक है अभी ये अटैकिंग पीरियड ही चल रहा है सारा का सारा अभी इनके कैम्प ही लगे हुए हैं तो किंग आर्थर इज ऑल्सो बिलीव टू बी द लास्ट ग्रेट सेल्टिक रूलर ऑफ इंग्लैंड ठीक है जो इनका जो ओरिजिनल ब्रिटानिया कंट्री के जो ओरिजिनल ब्रिटानिया रीजन के जो ओरिजिनल इन्बिटेंट्स थे जो सेल्स थे उनके जो लास्ट ग्रेट किंग है वो किंग आर्थर को ही माना जाता है तो कहते हैं इन्होंने टफ फाइट दी थी बट इवेंचुअली जो है एंग्लो सैक्सन्स अपने रूल को जो है इस्टेब्लिश कर गए थे अब इन लोगों ने धीरे धीरे करके ब्रिटानिया के डिफरेंट डिफरेंट जो पोर्शंस हैं उन पे अपने जो है किंगडम्स को इस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया ये लोग एक दूसरे के साथ फ़ाइट्स कर रहे थे कोई दो किसी दो ट्राइब ने अलाइंस बना ली कोई दो ट्राइब्स ब्रेक कर गई किसी तीन में वॉर चल रहा है तो इनमें अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स और इस तरीके की चीज़ें जो हैं चलती रही हाँ रीना गुड आफ्टरनून वेलकम सो so, इस तरीके से दे वर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग अमंगस्ट ईच अदर एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर फाइनली इसमें से जो है हमारी तीन जो ट्राइब्स हैं वो मेन विक्टोरियस निकल के आती हैं सो दे वर द एंगल्स, द सैक्सन्स एंड द जूट्स अल्टीमेटली ये वाली वो तीन ट्राइब निकलेंगी ठीक है फ्रीजियंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे यहाँ से उनका जो रूल है उनका जो किंगडम है वो इतना स्ट्रांगली अपना होल्ड नहीं बना पाएगा ब्रिटानिया में सो दे विल बी पुश्ड बैक टू नॉर्दर्न जर्मनी ठीक है जर्मेनिया में उनको वापस भेज दिया जाएगा और ये जो तीन डायनेस्टीज़ हैं या जो ट्राइब्स हैं ये अपने सॉलिड किंगडम्स जो हैं अब ब्रिटानिया में बना लेंगी तो आने वाले टाइम में अब हम जो फिर इंग्लिश लोगों को देखेंगे इनका ब्लड जो है सेल्ट्स में मिलेगा जहाँ से हमारी ये एंग्लो सैक्सनिक पूरी किंगडम का शुरुआत होती है मुकेश आपने पेड कोर्स परचेस कर लिया है वेरी गुड ग्रेट टू नो बिल्कुल मुकेश जी कोई दिक्कत नहीं है मेरी पूरी गाइडेंस और सब कुछ आपके साथ है जिस तरह इस बैच में भी सिर्फ महज एक महीने की पढ़ाई से ही इतने लोगों को गाइडेंस दे कि उनकी हेल्प की है आपकी भी बिल्कुल आप भी बिल्कुल ऐसे बेनिफिट ले पाएंगे मेरी क्लास से हेलो हाय हाय राधे यादव गुड आफ्टरनून ठीक है तो चलिए सो so, अब ये जो है हमारा एक बेसिक सा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो अब एक बार बेसिकली देख लेते हैं कि जब इन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया इंग्लैंड में तो बेसिकली इन इनका सिस्टम कैसे सेट बैठा था ठीक है किस तरीके से ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने अपने आप को यहाँ पे इस्टैब्लिश किया था तो मैंने आपके लिए एक ये मैप बनाया है ठीक है तो उस टाइम जो हमारे पास पूरा इंग्लैंड था उसका एक मैप देख लेते हैं तो इन लोगों ने अपने आप को कुछ इस तरीके से देखिए इस्टैब्लिश कर लिया था कि आप देखते हैं जो मैक्सिमम पोर्शन है इनका वो दो रीजन के अंडर आ रहा था एक तो था और एक था मर्सिया ठीक है तो ये जो नॉर्थ का जो रीजन है और ये जो मर्सिया का रीजन है आप देख रहे हो मैक्सिमम जो उस टाइम पे इंग्लैंड का एरिया इन लोगों ने जो है कवर किया हुआ था इसके अलावा हम लोग यहाँ पे ईस्ट एंग्लिया एसेक्स कैंट को देख रहे हैं कैंट इफ़ यू ऑल रिमेंबर कंट वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज बिंग रूल बाय द जूट्स तो जो एंगल सैक्सन्स और जो जूट्स हैं उसमें से जो जूट्स थे जो जूट ट्राइब उनके पास सिर्फ एक ही रीजन था जिसको वो रूल कर रहे थे वो था कैंट का एरिया ठीक है ना तो कैंट्स तो रूल कर रहे थे इसको ठीक है उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे सो so, ये एसेक्स है द ईस्टर्न साइड वाला रीजन ठीक है देन दिस इज वेसेक्स द वेस्टर्न रीजन ससेक्स इज द सदर्न रीजन ठीक है और उसके अलावा देन वी हैड नॉर्थ हम्बरिया नॉर्थ हम्बरिया ओबियसली इनका सबसे बड़ा था मिडल में जो था इनका मर्सिया ठीक है जितनी भी हमारी पोलिटिकल uh, एक्टिविटीज उस पीरियड में हो रही थी या फिर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी वो बेसिकली इस रीजन से हो रही थी ठीक है जो हमारी जितनी भी हमारी मेजर कमर्शियल uh, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उसका जो सेंटर था कहीं ना कहीं वो यहाँ से था एज़ फार एज़ द लिटरेरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न वो हमारा नॉर्थ हम्बरिया से निकल रहा था ठीक है जितना भी मेजर लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उसका सेंटर नॉर्थ हम्बरिया बना लेकिन ऑब्वियसली और हर रीजन की अपनी खुद की अलग डायलेक्ट्स थी ठीक है हर रीजन में अपनी अलग अलग डायलेक्ट्स जो हैं चल रही थी लेकिन जो सबसे इमर्जेंट डायलेक्ट या फिर हमारे पास आज जो मैक्सिमम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर रिमेनिंग है वो जिस डायलेक्ट का है वो है वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट तो जो सेक्सन का जो वेस्टर्न रीजन में जो किंगडम था उसको हम वेसेक्स कह रहे हैं तो सेक्सन का जो ये वेस्टर्न रीजन है इसकी जो डायलेक्ट है ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म में उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी ठीक है और uh, uh, Saxons का सदन जो किंगडम था वो ससेक्स था सैक्सेंस का जो ईस्टर्न uh, किंगडम था वो एसेक्स था इस तरीके से तो एक बार इनको अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें से नोट करने वाली बात है कि जो ये वाला रीजन है आपका ठीक है ये रीजन है ठीक है स्टाटोस्काइल देन ये वाला जो रीजन है ठीक है ये वाला रीजन फ्यूचर में आने वाले टाइम में वेल्स बनेगा ये जो लैंड है हमारा ठीक है ये जिसको मर्सिया से डिविजन मिल रही है बाय ऑफाज डाइक ये वाला रीजन जो है फ्यूचर में आके हमारा वेल्स बनेगा तो मतलब वेल्स जो है वो अभी भी जो सेल्ट हैं सेल्टिक लोग हैं उनके ही कंट्रोल में था और इनफैक्ट आज भी जो वेल्श पीपल हैं वो अपने आप को इंग्लैंड का पार्ट नहीं मानते हैं जो भी वेल्श हैं वो आज भी अपने आप को इंग्लैंड का पार्ट नहीं मानते उनकी लैंग्वेज भी इन फॉर दैट मैटर जो है इनसे अलग है क्यों क्योंकि बाकी के इंग्लिश एरियाज़ में जो है ये जर्मेनिक ट्राइब्स का अटैक हो गया था लेकिन वेल्स वाला जो एरिया था वहाँ पे अभी भी सेल्टिक जो है किंगडम्स थे सेल्टिक रूलर्स रूल कर रहे थे सेल्टिक छोटी छोटी ट्राइब्स थी बेसिकली और सेल्टिक लोग ही इन्हीबिटेंट्स थे यहाँ के सेंट्रली तो ये हिस्सा कुछ कुछ अभी भी जो ब्रिटिश किंगडम्स हैं जो ओल्ड ब्रिटानिया था उसकी सुप्रीमेसी यहाँ पर अभी भी जो है फील की जा रही थी सो इस पीरियड में वी हैव लाइक आई सेड द वन ग्रेट किंगडम दैट वी लुकिंग एट इस कैंट कैंट जो है वो ओनली रीजन था जो जूट जो थे जहाँ पे रूल कर रहे थे फिर आ गया हमारा मर्सिया मर्सिया का जो ये वाला जहाँ पे सारी दिस वाज द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड ठीक है तो इस पीरियड के जो रूलर थे ओफा द ग्रेट रूलर ओफा जिन्होंने इंग्लैंड और वेल्स के बीच में वॉल बनाई जिसको हम कहते हैं ओफाज डाइक तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो मर्सिया और वेल्स के बीच में ये एक वॉल है काले रंग की जिसके ऊपर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ओफाज डाइक तो ये वॉल क्रिएट करने वाले द ग्रेट रूलर ओफा थे ऑफ मर्सिया नॉर्थ हम्ब्रिया जो है आई साइड वॉज द सेंटर ऑफ ऑल लिट्रेरी एक्टिविटीज़ इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड दिस इज़ द रीजन यहाँ पे द मंक बीड ने बैठ के जो है अपनी एक्लिसिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी थी कैडमॉन भी जो है इसी रीजन को बिलोंग करते थे कैडमॉन बीड ये सारे के सारे जो है नॉर्थ में ही थे और नॉर्थ से ही अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को

दैन वी हैव द सेक्सेंस उनके रीजन्स तो जो सेक्सन का ईस्टर्न पार्ट था वो एसेक्स था सेक्सेंस का जो सदर्न पार्ट था वो ससेक्स था सेक्सन्स का जो वेस्टर्न पार्ट था वो वेसेक्स था ठीक है और वेसेक्स में ही रहते थे द सो कॉल्ड ग्रेक रूलर किंग एल्फ्रेड किंग एल्फ्रेड जो हैं वो ससेक्स के वेक्स में रहते थे वेस्टर्न एरिया ऑफ द यू नो सेक्सेंस एंड ऑल्सो रिमेंबर किंग एल्फ्रेड ओनली एंग्लो सैक्सन रूलर जिनके नाम के पीछे द ग्रेट लगा है अदरवाइज आर्थर के नाम के पीछे भी जो है ग्रेट नहीं लगा है सो so, ये याद रखना कि दिस वॉज वन ऑफ द रूलर्स जिन्होंने माविया बीट रोड इन लैटिन बीट रोड इन लैटिन येस माविया बट ही वॉज लिविंग हीयर ही वॉज अ नॉर्थम्बरियन ही वॉज नॉट अज नॉट अ रोमन पर्सन ही लिव्ड हेयर दिस वॉज द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ द लिट्रेरी एक्टिविटीज कैडमॉन बीट वो लोग यहीं से जो है लिख रहे थे ठीक है हाँ जी मनीष uh, हाँ बिल्कुल लाइक चाइना द लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑफ आज डाइक भी बिल्कुल उसी तरीके की एक वॉल थी हाई वे गुड आफ्टरनून वेलकम चलिए तो प्लीज रिमेंबर आर्थर किंग के नाम के साथ भी जो है ग्रेट सफिक्स कभी एड नहीं किया गया है प्रिफिक्स एड कभी नहीं किया गया है बट ये किया गया है विद ने ग्रेट जो कहा के रूलर थे वेस्टर्न सैक्सन के अब याद रखिये बाई एट फिफ्टी एडी बाय द नाइन्थ सेंचुरी द सेवन किंगडम्स हैंगडम्स ठीक है द एंग्लो सैक्सन किंगडम जो थे वो थ्री मेजर लार्ज किंगडम्स में जो है अब बच गए थे वन वॉज नॉर्थ हम्बरिया ठीक है जहाँ से हम कह रहे हैं लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वन वॉज़ मर्सिया जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जहाँ से हैंडल हो रही थी एंड देन वन वॉज वेसेक्स जहाँ की डायलेक्ट सबसे ज़्यादा नेशनल लेवल पे फेमस थी एंड द एंग्लो सैक्सन्स हैड बिकम क्रिश्चियन बाय देम इस पीरियड तक जो है एंग्लो सैक्सन्स के ऊपर जो है uh, कुछ uh, इंग्लैंड में, में सुप्रीमेसी रह जाएगी और ये लोग अब तक जो है क्रिस्टन्स बन जाएंगे और उसके बाद से ऑफकोर्स हम काफी सारी जो है मेजर लिटरेरी एक्टिविटीज इस पीरियड में देखते हैं आई होप सबको क्लियर है सब लोग थमजा भेज दो तो अगर समझ आ रहा है तो। ठीक है आई होप सब लोगों को यह वाला पॉइंट क्लियर है चलिए अब किंग एल्फ्रेड को भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि इनके इन्होंने कौन कौन से ऐसे लॉज या रूल्स एस्टेब्लिश किए थे जिनकी वजह से आज हम इनको द ग्रेट मानते हैं वाई इज ही द ओनली ठीक है इंग्लिश रूलर जिनके नाम के आगे इस तरीके से ग्रेट लगा था सो नंबर वन वॉज बिकॉज ही डिफीटेड दाइकिंग इन द बैटल एडिंगटन इन एट सेन कन्वर्टेड द लीडर टू क्रिस्टानिटी वाइकिंग्स अगेन जैसे ये एंग्लो सैक्सन uh, थे वाइकिंग्स भी एक इस तरीके की ट्राइब थी लड़ाकी कौम थी लड़ाई झगड़े करने वाले थे मार काट करने वाले थे ठीक है जैसे चंगेज़ खान की मंगो, मंगोलियन आर्मी थी कि जहाँ पे भी जाते थे तबाही मचा आते थे उसी तरीके से ये वाइकिंग्स भी इधर सेल्टिक ब्लड की एक ऐसी पुरानी एक कम्यूनिटी है एक ट्राइब थी लड़ाकी कौम थी तो उनको हरा के उनके लोगों को जो है उनके पेगन गॉड्स उनके छुड़वा के उनको क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करवाने वाले कौन थे इट वॉज नन अदर देन किंग एल्फ्रेड द ग्रेट

ठीक है क्योंकि डैनिश थे ये लोग डच डच बैकग्राउंड से थे तो वाइकिंग्स को वापस हटा के लंडन से और लंडन को रिकैप्चर करने वाले थे एल्फ्रेड द ग्रेट ही स्ट्रेंथन हिज किंगडम्स डिफेंसिस बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ फोर्ट्रेसेस एंड डिसेंट आर्मी जगह जगह जाके इन्होंने किले बनाए वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय की तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है अपनी कंट्री को डिफेंड करना और प्रोटेक्ट करना जो है इनकी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट रही इसके अलावा ही बिल्ड शिप्स अगेंस्ट वाइकिंग सी अटैक्स सो बिगिनिंग द इंग्लिश नेवी तो इंग्लैंड में नेवी का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले कौन थे अदर देन किंग एल्फ्रेड द ग्रेट क्योंकि बहुत से बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं है जो नेट की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं कि हमें ये जो कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं इंग्लैंड के हमें इनको भी कवर करना है इनमें से भी ना इक्का दुक्का क्वेश्चन जगह जगह से आ जाते हैं तो बहुतों को पता नहीं होती है ये बात और ये मार तो एक क्वेश्चन की पर मार तो ये है भी एक क्लास की भी है हार्डली एक से दो क्लास या एक से दो घंटे का मैटर है अगर एक से दो घंटा आप किसी चीज़ को पढ़ के आप उसमें से एक क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो तो वाई नॉट ठीक है ये बहुत ही जो है बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा तो रिमेंबर कि वाइकिंग्स से अपनी कंट्री को uh, बचा के रखने के लिए ही इन्होंने जो है इंग्लैंड में पहली बार नेवल फोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था ही हैड बुक्स ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड प्रमोटेड लर्निंग एंड ही फाउंडेड मैनी मोनेस्ट्रीज ऑल्सो सो इफ यू रिमेंबर ऑल्सो आई हैड वी हैड दिस वी वी हैड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने ये वाले अटैम्प्ट से पहले मैंने जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस करवाई हैं उसमें ये क्वेश्चन था कि किंग एल्फ्रेड द ग्रेट एक रूलर तो थे उसके अलावा और क्या थे वो सो इफ़ यू रिमेंबर द आंसर वाज ही वाज आल्सो अ ट्रांसलेटर दिस आई हैड टोल्ड यू गाइस ठीक है सो ही वाज आल्सो अ ट्रांसलेटर उन्होंने काफ़ी सारी लैटिन जो क्लासिकल बुक्स हैं लिटरेरी वर्कस हैं हिस्टोरिकल वर्क्स हैं उनकी ट्रांसलेशन एंग्लो सैक्सन इंग्लिश में की थी और साथ ही साथ जो है लर्निंग को प्रमोट किया था उन्होंने कई सारी मोनेस्ट्रीज़ बिल्डअप करवाई थी ताकि इंग्लैंड में जो है क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड फार एंड वाइड हो सके एंड ही ऑल्सो कमिशन द राइटिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल हिस्टोरिकल रेकर्ड ऑफ द एंग्लो सैक्सन इन ब्रिटेन आज काफ़ी कुछ जो हमें एंग्लो सैक्सन किंगडम्स के बारे में उनकी हिस्ट्री के बारे में उनके लोगों उनके कल्चर के बारे में पता है दैट वी नो फ्रॉम द ग्रेट एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जिसको कमीशन करने वाले कौन थे नन अदर देन किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ठीक है जी तो ये किंग एल्फ्रेड द ग्रेट का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था अब देखते हैं इस पीरियड के लिटरेचर को कि इस पीरियड के लिटरेचर में खास बात क्या थी एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो लिटरेचर है ये क्यों बेटर है या, या बेटर नहीं बट मैं इन कह यूनिक जो है किस तरीके से है सो so, सबसे पहले तो प्लीज रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है इसमें जो इनकी लैंग्वेज है ठीक है वो अभी रिफाइंड नहीं थी काफी रूडीमेंट्री थी रूडीमेंट्री काफी यानी पुराने तरीके की थी काफी अन अनरिफाइंड स्टाइल में थी ठीक है काफ़ी अनरिफाइंड थी ये तो लैंग्वेज जो है अभी इनकी रूडिमेंट्री थी तो इस पीरियड में जो लिटरेचर हमें इनका जो देखने को मिलता है जो ओल्ड जिसको कि हम कह रहे हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ठीक है ये जर्मैनिक लैंग्वेजेस पे ही बेस था क्योंकि इससे पहले सेल्टिक जो लोग थे उनके पास तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लिटरेचर था ख़ुद का वहाँ पे उस पीरियड में सब कुछ ओरल ट्रेडिशन पे चल रहा था तो रिटन लिटरेचर का ट्रेडिशन कहीं ना कहीं या जो ओल्ड इंग्लिश हमारे पास लिटरेचर आ रहा है वो का वो कहाँ से आ रहा है वो जमेनिक लैंग्वेज का जो मिक्सअप हुआ है सेल्टिक के साथ उससे आ रहा है वहाँ से हमारे पास ये एंग्लो सैक्सनिक लैंग्वेज आती है जो रूडीमेंट्री है पर एटलीस्ट उसमें लिटरेचर फिर भी लिखा जा रहा था तो इस पीरियड की जो स्टोरीज़ हैं वो कहाँ से हमें मिल रही थी वो ओरल ट्रेडिशन की जो स्टोरीज हैं वो मिल रही थी पर्टिकुलरली टोल्ड बाय स्टोरी टेलर्स नोन एज स्कोप्स स्कोप्स क्या होते थे स्कोप्स वो प्रोफेशनल बार्ड्स होते थे या स्टोरी टेलर्स होते थे जो गांव-गांव जाके गली गली जाके किंगडम टू किंगडम ट्रैवल करके कोर्ट टू कोर्ट ट्रैवल करके जो है अपनी स्टोरीज को सुनाते थे अच्छा आज के टाइम में तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हम घर में और कुछ नहीं है तो फ़ोन चला लिया इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है टी चला लिया नेटफ्लिक्स देख लिया नेट पर कुछ और कुछ देख लिया अब अपने मम्मी पापा से हम लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या करते थे तो वो बोलते थे बेटा दूरदर्शन शुरू हुआ था और उसमें भी हफ्ते में एक बार एक गली में किसी एक के घर में दूरदर्शन होता था उसमें महाभारत आती थी तो सब गली के लोग जो हैं उन्हीं के घर जो है संडे के संडे महाभारत देखने जाते थे अब आप उससे भी पीछे से पीछे चले जाओ तो मैंने ड्रामा की हिस्ट्री आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर रखी आगे फिर से भी करूँगी लेकिन इवेंचुअली हम बात कर रहे हैं आपसे हज़ार साल पहले अब से हज़ार बारह सौ साल पहले तो उस पीरियड में जो है एंटरटेनमेंट के लिए आप कहीं नहीं जाते थे एंटरटेनमेंट आपके पास आता था तो ये स्कोप्स नाम के स्पेशल परफॉर्मर्स होते थे या जिनको बार्ड्स कहते हैं हम ये कोर्ट टू कोर्ट किंगडम टू किंगडम ट्रैवल करके स्टोरी टेलिंग करते थे अच्छा स्टोरी टेलिंग में ये है अब एक बार दूसरे बार से अलग होने के लिए बिकॉज इनके पास जो स्टोरीज थी वो इन्वेंशन उसकी कम हो रही थी ज़्यादातर जो है ये लोग ओरल ट्रेडिशन से जो ऑन इनका ओरल कल्चरल फोक लिटरेचर है या लिटरेचर क्या मानू मतलब स्टोरीज़ हैं फोक टेल्स हैं उसी को जो है रिकाउंट करते थे तो मान लो दस अलग अलग स्कोप्स हैं सबके पास जो है अपना खुद का कुछ नहीं है सबके पास वही कहानी है सुनाने को तो डिफरेंस कहाँ से पड़ता था डिफरेंस आता था इनकी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से कि कौन सा स्कोप कितने बेटर तरीके से अपनी पोइट्री की रेसिटेशन कर पा रहा है सो so इवेंचुअली जो है ट्रेंड ये बढ़ने लगा कि इस तरीके से पोएम को गाया जाए या रिसाइट किया जाए या सॉन्ग को रिसाइट किया जाए कि वो सुनने में जो है अट्रैक्टिव लगे सुनने में उस पे जो है अटेंशन आए और सामने वाले का अटेंशन आप होल्ड करके रख सको तो वहाँ से इन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट बेसिकली शुरू किया था एलिटरेशन का एलिटरेशन का पर्पस ये था एलिटरेशन क्या होता है था रेपिटेशन ऑफ कॉन्जोनेंट साउंड्स इन अ लाइन तो एलिटरेशन करके इन लोगों ने अपने वर्ड्स पे जो है जो एक फोकस आता था एक जो स्ट्रेस पड़ता था ऑन वन इंडिविजुअल लाइन उससे दे वर एबल टू कमांड बेटर अटेंशन ठीक है ऑन देम सेल्स या ऑन देयर रेसिटेशन ठीक है ये एलिटरेशन का पर्पज़ था इसीलिए एंग्लो सैक्सन एज की जो कैरेक्टरिस्टिक पोइट्री है उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एलिटरेटिव वर्सेस का कि अगर हम एंग्लो सैक्सन एज की बात करें इसमें जो एलिटरेटिव वर्सेज हैं वो इस पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं

वो तो कहीं ना कहीं यहां से होता है अब इस पीरियड में जो हम लिटरेचर देख रहे हैं पोइट्री देख रहे हैं फॉर दैट मैटर ये मेजर मेजर मोटा मोटा अगर हम देखें दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी तो सबसे पहले या तो हम देखते हैं रिलीजियस ठीक है रिलीजियस थीम्स पे जो है इस पीरियड में लिखा जा रहा था या फिर हिरोक ठीक है इस पीरियड में हमारे पास हिस्ट्री के कुछ क्रॉनिकल्स वगैरह भी जो हैं जैसे कि द ग्रेट क्रॉनिकल ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर बीट का द एक्लेसटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल ये कुछ क्रॉनिकल वर्क्स भी हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं इसके अलावा कुछ ट्रैवल रिलेटेड प्रोज वर्क्स भी जो है हमें माइन्यूट लेवल पे जो है देखने को मिलते हैं एंड ऑल्सो देन वी फाइंड सम लिरिक्स दैट आर अवेलेबल इन पीरियड इन इन दिस पीरियड ठीक है सो so, कुछ लिरिकल पोएम्स भी जो है हमें इस पीरियड में देखने को मिल रही हैं पर अगर हम मेजोरिटी पोर्शन की बात करें तो इट इज़ ओनली रिलीजियस एंड हीरोइक पोइट्री जो हमें

No, probably not. Probably there were other Anglo Saxon uh, epic poems that were written during this period, but this is the only surviving Anglo Saxon epic that we have. Beowulf is the only surviving Anglo Saxon epic that we have. अदरवाइज़ इस पीरियड में प्रॉबली और भी लिखी गई होंगी इसके अलावा कुछ और फेमस वर्क्स हैं हमारे पास इस पीरियड के जैसे विटसित विसित एक स्कोप की इन अ वे ऑटोबायोग्राफी है जिसके अंदर वो कोर्ट टू कोर्ट अपने ट्रैवल्स को एक्सप्लेन कर रहा है और इसके अंदर रियल जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं तो उन्होंने जो रस्ते जो किंगडम्स जो उनका लैंडस्केप मैपस्केप बताया है वो हिस्टोरिकली एक्चुअली वैसे ट्रेस किया गया है तो विटसिथ को हम सिर्फ उसके लिटरेरी रेलिवेंस के लिए नहीं बट उसके जियोग्राफिकल रेलिवेंस की वजह से भी स्टडी करते हैं इसके अलावा बियोवुल्फ जो है एक ग्रेट एपिक पोयम है इस पीरियड की जिसके ऊपर आए दिन नेट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं इसलिए मैं इसको बोलती हूँ एन एफ टी फॉर एनीबडी हु इज विजिटिंग माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एन एफ टी इज़ अ वर्ड दैट आई हैव गिवन टू नेट फेवरेट टॉपिक तो आगे से अभी मैं कभी भी एन एफ टी बोलूँ आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेट फेवरेट टॉपिक ये वो वाले हमारे टॉपिक्स हैं नेट के जो हर दूसरे तीसरे या हर साल आपको नेट में देखने को मिलेंगे तो मेरे स्टूडेंट्स ने इस बार भी मुझसे से बहुत कम टाइम पढ़ के भी एन का बहुत फ़ायदा उठाया है इनफैक्ट फैक्ट सिलेक्शंस भी हुए हैं सो एन का जो है फ़ायदा वो काफ़ी ज़्यादा हमारा रहा था अच्छा उसके अलावा कुछ और रिलीजियस पोएम्स जो हैं हमें इस पीरियड में मिलती हैं जैसे कि जेनेसिस, क्राइस्ट एंड सेटन क्राइस्ट जुलियाना एलिन द फेट ऑफ़ द एपोस्टल्स द ड्रीम ऑफ द रूड द ड्रीम ऑफ द रूड इज़ द फर्स्ट पोएम इन ड्रीम विजन ड्रीम विजन आने वाले फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड में चौसर के पीरियड में एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड बन जाएगा पोइट्री का आगे जॉन कीट्स भी अपनी कुछ फेमस पोएम्स को ड्रीम विजन्स में लिखेंगे ठीक है कोलरेज uh, जो है ड्रीम विजन को यूज़ करेंगे आगे तो पहला एग्जांपल जो ड्रीम विजन पोइट्री का जो इंग्लिश लिटरेचर में देखा गया था वो था ये पोएम के साथ द ड्रीम ऑफ द रूड ठीक है इसके अलावा कुछ लिरिक्स वगैरह भी हमें इस पीरियड में जो है देखने को मिलते हैं देन ऑफ कोर्स अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पीरियड इज़ द कैडमॉन्स हिम्स कैडमॉन्स हिम्स जो हैं हमें इस पीरियड में देखने को मिलती हैं कहते हैं ही वॉज एन इिटरेट शेपर्ड एंड फार्मर ठीक है जिसको एक दिन एक विजन आती है गॉड की जिसके बाद से ही विल स्टार्ट राइटिंग रिलीजियस हिम्स सो कैडमॉन्स हिम्स इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट यू नो लिटरी वर्क डैट वी फाइंड इन दिस पीरियड एंड देन वी हैव बीड जिनको कि हम द वेनरल बीट भी बोलते हैं इनको वेनरल बीट इसलिए बोलते हैं वेनरल यानी रिस्पेक्टेबल रिप्यूटेबल क्यों क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हमारे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में ठीक है तो इन्होंने द एक्लेसटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया था इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे ग्रामेरियन और लिंग्विस्ट भी थे तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर या पोइट्री में काफ़ी सारे सेंटेक्सेज इन्होंने इन्वेंट किए काफ़ी फ्रेज़ इन्वेंट किए सेंटेंस के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को जो है इन्वेंट किया एट्सेट्रा एट्सेट्रा ठीक है हाँ तो द लर्निड बीट द रेवरेंट बीट तो इस तरीके से जो है इनको जो है बुलाया जाता था बिल्कुल देन ऑफ कोर्स वी हैव साइन वुल्फ ठीक है तो ये जो पीछे हमारी ये जो पोएम्स हैं ठीक है ठीक है दे हैव बीन एंट्रीब्यूटेड टू साइन वुल्फ द फोर पोएम्स एट द बॉटम तो ये कुछ हमारे फेमस राइटर्स हैं इस पीरियड के जिनको हम इस एज के साथ जो है यू uh, नो uh, you know, uh, जोड़ के रखते हैं इनको साथ में समझते हैं एंड uh, ये जो पीरियड है हमारा इवेंचुअली आगे जाके ख़त्म हो जाएगा वन जीरो सिक्स सिक्स एटी में वन जीरो सिक्स सिक्स एटी तक ये सब ग्रो करेगा जब फाइनली नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा और वो क्या होगा और उसमें फिर लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगी कल वाली क्लास में तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है फटाफट से मुझे सब लोग ज़रा बता दो कि आ, क्या आ, क्लास कैसी लगी पहले तो ये बता दो तो जितने लोग पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने फिर से सीरीज़ शुरू कर दी है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन टू ऑल द लिटरेरी एजेस मैं आपको जो है सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है ये सब अब पढ़ाऊंगी एंग्लो सैक्सन एज हमारी आज ही कंप्लीट हो गई है और अब इसके आगे हम बढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो तो कल हम करेंगे एंग्लो नॉमन मतलब आप कोई भी क्लास छोड़ नहीं सकते हो ठीक है कोई भी क्लास मिस नहीं होगी अब आपकी क्योंकि एक दिन भी क्लास मिस हुई उस दिन का टॉपिक आपका मिस हो गया तो आपकी जो सीरीज़ है जो वो बिगड़ जाएगी तो जितनों को नहीं पता हाँ जी एन एफ टी का मतलब है नेट फेवरेट टॉपिक नेट फेवरेट टॉपिक है ये और इसका मतलब है कि ये वो वाली चीज़ है जिसके के अंदर हम लोग जो है अपना Uh, क्या कहते हैं uh, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट हर साल नेट के पेपर में जो है रिपीट हो रहे होते हैं भूल ही नहीं हूँ बिल्कुल भी सब लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत 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 सारी वार्मेस्ट वेलकम्स मैं हमेशा ये बोलूँगी आप लोगों की कि अपने अंदर के बच्चे को कभी जो है मत मरने दें अपने अंदर का आपके अंदर का, का बच्चा हमेशा जो है ज़िंदा रहना चाहिए बिकॉज़ जो लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना मुझे लगता है वो हम ज़्यादा समझदार बन उनको इन्जॉय नहीं कर पाते हैं ठीक है वो उनको ना हम बच्चे बन ही इंजॉय कर पाते हैं और लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो होते हैं वो आते ही हमारे हैं वो छोटी छोटी उन बचकानी हरकतों से उन बेवकूफ़ियों से जिन पर हंसी आती है तो वो छोटा छोटा हाहा ही ही के लिए ना तो अंदर का बच्चा जो है हमेशा ज़िंदा अंदर रहना चाहिए तो आपके बच्चों को भी मेरी तरफ़ से चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी गुड विशेस और मेरी तरफ़ से भी और इन गुड विशेस के तहत हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये खास स्कीम मेरे सभी उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई नेट का बैच लेना है पर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो चाचा नेहरू के बर्थडे के इस स्पेशल ओकेजन पे और आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर ऑल द पीपल जो मेरे नेट के बैच को करना चाहते हैं जॉइन उनके लिए हम लाए हैं फ्लैट एटी ऑफ ठीक है जी नॉर्मली मैं आपको बता दूं पहले तो कोई भी मेरा जो इंग्लिश का कोर्स मान लो पेपर टू का जो है ओनली पेपर टू का वो है एटीन थाउजेंड का ठीक है फिर मैं आपको देती हूँ अपना कोड वाई फाइव फोर टू ये तो आप सबको पता ही है ये है मेरा डिस्काउंट कूपन कोड जिससे आपको सेवेंटी परसेंट का जो है डिस्काउंट मिलता है सिर्फ आज रात तक के लिए कल से ये प्लान ऑन था सिर्फ आज रात तक के लिए हम आपको दे रहे फ्लैट 80 परसेंट ऑफ ठीक है फ्लैट एटी परसेंट ऑफ का डिस्काउंट दे रहे हैं तो जितने भी लोग मेरे नेट के बैच में अभी एनरोल करना चाहते हैं मैं आपको बता दूं जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी मैं आपको उसका मटेरियल सप्लाई कर दूंगी और आप मेरी लाइव क्लासेस को अभी साथ के साथ जो है ज्वाइन कर सकते हो और अगर नए बैच का कुछ लोग पूछ रहे हैं नया बैच अनफॉर्चुनेटली हम लोग अगले जैन में शुरू करेंगे उससे पहले कोई नया बैच ज्वाइन नहीं होने वाला है तो मेरे हिसाब से ये दो महीने वेस्ट करना समझदारी नहीं उसका रीज़न एक अब आप... पहले तो मैं इसको बोलती थी पर कोई मेरी बात मानता नहीं मानता मुझे नहीं पता अब मैं लॉजिकल रीज़न देती हूँ ठीक है मेरी क्लास में मनीष हैं उनका ले... लिटरेचर में बैकग्राउंड भी नहीं है उसके बावजूद मुझसे उन्होंने यूट्यूब पर दो तीन महीना पढ़ा पेड बैच में एक महीना पढ़ा एंड ही क्वालिफाइड हिज नेट तो अगर कोई दो महीने की तैयारी से नेट क्वालिफाई कर रहा है एक महीने की तैयारी से नेट क्वालिफाई कर रहा है तो आप अपने एक दो महीने को वेस्ट कैसे कर सकते हो तो वेस्ट मत करिए स्पेशली क्योंकि नेट में जनरली हम सेल्स नहीं निकालते हैं जितनी डबल वैलिडिटी महापैक पे सेल्स जो हमारे बाकी जो uh, वर्टिकल्स हैं एग्ज़ाम्स के टीचिंग बैंकिंग एस एस सी यू पी एस सी जितनी उस पर आती हैं नेट इज़ आवर न्यू वेंचर इट इज़ आवर बेबी वेंचर इस पर अभी तक हम लोगों ने डिस्काउंट्स ऑफर नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए ये डिस्काउंट हम पहली बार जो है लेकर आए हैं ले तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं कैसे उठाओगे मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना वाई फाइव फोर टू ठीक है और आपको हार्डली थर्टी थ्री टू थर्टी फोर हंड्रेड में जो है ये नेट का मेरा कोर्स मिल जाएगा एक साल की वैलिडिटी के साथ वन ईयर की वैलिडिटी जो है आपको इस कोर्स में मिलेगी तो मौके को हाथ से जाने ना दें एनरोल नाउ और होमवर्क की जहाँ तक बात है आप लोगों ने अपना बीओ वल्फ बीओ वुल्फ जो आपका एक एन टॉपिक है आप लोगों ने इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख के आना है अगेन फॉर द पीपल अटेंडिंग माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम अब चिल्ड्रंस डे की बात हो रही है तो थोड़ा चिल्ड्रेन स्कूल मोड में आ जाते हैं तो मैं होमवर्क देती हूँ भाई इस क्लास में अच्छा मैं बता दूँ पिछले अटैम्प्ट में एक डेढ़ महीने की YouTube क्लास में जो मैंने होमवर्क दिए थे ना उसमें से पांच डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पेपर में फाइव क्वेश्चन समझ रहे हो ये जो टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ रोज होमवर्क होमवर्क मतलब आप खुद उसको रीड करोगे स्टडी करोगे और फिर मेरी आज वाली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना होमवर्क डालोगे उसमें से आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं पांच क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आए हुए हैं तो मैं खुद बहुत सोच समझ के होमवर्क देती हूँ और इससे बेहतर क्या होगा कि आप दस मार्क्स के फायदे में चले गए सिर्फ ये होमवर्क करके आपका लगना हार्डली इसमें 10 से 15 मिनट है लेकिन आपको पता नहीं ये चीज आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है तो इस मौके का जो है भरपूर से फायदा उठाएं और आज सब लोग एक एक चॉकलेट आइसक्रीम खा ही लेना भाई चिल्ड्रंस डे बढ़िया सा इंजॉय कर लेना और कल की क्लास मत मिस करना मैं कहती हूँ कोई भी क्लास मत मिस करना क्योंकि अब ना मैंने साइकिल शुरू कर दिया ये अब हम वन बाई वन डेली एक एक टॉपिक जो है यूट्यूब पर फ्री पर लिया ही करेंगे तो इसका आपने मौका जो है हाथ से जाने नहीं देना है ठीक है होमवर्क ये रहा डिस्काउंट कूपन कोड ये रहा डिस्काउंट ये रहा आज रात तक एनरोल कर लो आपके कोई भाई बंधु सगे संबंधी किसी को भी मदद की चाहिए ज़रूरत है तो उनसे मदद उनको दे देना इसके थ्रू ठीक है जी चलो क्लास को एंड करती हूँ थैंक यू सो मच एवरीबडी हैव अ वेरी गुड डे एल सी यू गाइज टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस टेक केयर बाय बाय